स्वागत है आप सभी का टेक मिनट्स के इग्नोर फेस्ट एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चीजों में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं दोस्तों, पहले जो अपडेट है वो है एसटीसी की तरफ से। एसटीसी ने अपने दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया इंटरनेशनल मार्केट में। एक है एसटीसी डिजायर 20 प्रो और दूसरा है एसटीसी U20। ये दोनों ही फोन आते हैं काफी बेहतरीन फीचर्स के साथ। अगर हम बात करें U20 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 765G और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। और गाइस, ये फोन 6.8 इंचेस का होने वाला है, तो काफी कमाल के स्पेक्स हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं। देखना यह है कि मार्केट में ये कब आता है। अगर हम बात करें U20 के प्राइस की, तो इसे लॉन्च किया गया 18,990 ताइवानी डॉलर्स में। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में, तो ये होता है 48,600 रुपीस। और वहीं अगर हम बात करें एसटीसी डिजायर 20 प्रो की, तो यहाँ पे दिया गया स्नैपड्रैगन 765 SoC, आता है ये 6GB रैम के साथ। इंटरनल स्टोरेज इसमें दी गई है 128GB। और गाइस, ये बात आपको जान के खुशी होगी कि ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो इंडिया में अगर आता है ये, तो तकरीबन 20,000 या उससे कम प्राइस पे ये लॉन्च होगा। अगली जो अपडेट है वो है सोनी की तरफ से। आपको जैसा कि पता होगा कि सोनी ने प्लेस्टेशन 5 को अनवील कर दिया है कुछ दिनों पहले। यहाँ पे सोनी के प्लेस्टेशन 5 की प्राइस लीक हुई है अमेज़न फ्रांस के वेबसाइट पे, और ये प्राइस यूरोज में है। तो अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 399 यूरोज के साथ, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में, तो ये पड़ता है 34,000 रुपीज के आसपास। वहीं पे अगर हम इसके डिस्क ड्राइव वाली वेरिएंट की बात करें, तो इसको प्राइस दिया गया था 499 यूरोज, और उसका कन्वर्जन हम अगर इंडियन रुपीस में करें, तो वो पड़ता है 43,000 रुपीस के आसपास। तो आपको नए प्लेस्टेशन 5 के लिए हो सकता है इतना पैसा देना पड़े। अगली जो अपडेट आई हुआ है TCL की तरफ से। TCL ने बहुत दिनों बाद इंडिया मार्केट में टीवी लॉन्च किया है, और ये 4K QLED टीवी है, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 45,990 रुपीस से, और ये जाता है 299,990 रुपीस तक। गाइस, जो दो अलग अलग मॉडल लॉन्च किए गए हैं, उनके नाम है QLED C815 एंड C715। और यही अगर बात करें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की, तो ये डॉल्बी स्पीकर्स के साथ आता है ये सारे टीवी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, और ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है जिसमें दिया गया 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। साथ ही साथ इसमें इंटरनल स्टोरेज दी गई है 16GB की। अगली जो अपडेट आई हुई सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि चाइना से वो अपने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहा है वियतनाम में, और ये इन्वेस्टमेंट टोटल $17 बिलियन की होने वाली है। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट अभी वियतनाम में होने वाला है, और कितना ज्यादा लॉस होगा अभी चाइना को, क्योंकि सैमसंग ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरी तरीके से रिलोकेट कर देगा वियतनाम में। अगली जो अपडेट है वो भी सैमसंग की तरफ से है। यहाँ पे सैमसंग इंडिया ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की प्राइस कट की है, वो भी 5,000 रुपए तक। अब आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट को परचेस कर सकते हैं सिर्फ 37,999 रुपीज में। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो प्राइस कट है वो परमानेंट नेचर का है, इसका मतलब ये कोई ऑफर के तहत नहीं है, परमानेंटली इनके प्राइस कट किए गए हैं। तो गाइस, ये एक बेहतर ऑफर साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में OnePlus एकमात्र ऑप्शन था आपके लिए। अगर आप इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस फोन को भी एक बार आप कंसिडर कर सकते हो। अगली जो अपडेट आई हुआ है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कर दिया है अनाउंस कि वो अब ला रहा है 3 नए स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज मेड बाय इंडियंस, मेड फॉर इंडियंस। अब यहां देखने वाली बात यह है कि अनाउंस करते वक्त माइक्रोमैक्स ने यह कहा है कि यह एक प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगा, लेकिन इसकी जो प्राइस होगी वो बजट रेंज में होगी। तो इसी के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जो प्राइस होगी वो 10,000 के आसपास होगी या 10,000 से नीचे होगी। पर माइक्रोमैक्स के रवैये से इतना तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोमैक्स सिर्फ सेंटीमेंट्स पे गेन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी कैपिटल को इम्प्रूव करने में लगा है। अगर उसे बेहतर प्रोडक्ट देना है, तो वाकई में बहुत दिन से मेहनत करनी चाहिए थी। आप सेंटीमेंट्स के दम पे मार्केट में एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। पर खैर, ये तो वक्त बताएगा कि लोगों को कितना पसंद आता है या नहीं आता है। अभी ये 3 मॉडल्स के बारे में बताया नहीं गया है कि कौन-कौन से वो मॉडल्स होंगे, बस अनाउंस किया गया है कि 3 नए बेहतरीन फीचर्स के साथ फोन लॉन्च करने वाला है माइक्रोमैक्स। और इसी के साथ खबर ये भी है कि कार्बन, लावा और स्पाइस ऐसे जितने भी कंपनीज हैं लोकल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी या इंडियन कंपनीज थी, वो भी अपने-अपने फोन्स को लॉन्च करने वाली है ड्यू टू दिस एंटी चाइना सेंटीमेंट। तो गाइस, इस वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सारी अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन
बटन को दबा लो। ज्यादा जानकारी के लिए आप edutech.in पे भी लॉग इन कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर से करें। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।